जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने सोमवार को पूरी टीम के साथ खोराबार विकास खंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसमें ग्राम पंचायत भरवलिया में पथरा एवं रानीबाग क्षेत्रों में जल जमाव एवं जल निकासी की व्यवस्था तथा बड़गो सेंदुली बिंदुली तथा झरवा मंझरिया बिस्टौल कजाकपुर लहसड़ी आदि गांवों में जल जमाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जगह जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा एंटी लार्वा का छिड़काव एवं हॉट स्पॉट वाले एरिए में सैनिटाइजेशन सफाई कर्मियों के माध्यम से कराया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर द्वारा पंचायत सचिव कामिनी सिंह को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत भरवलिया के पथरा रानीबाग मार्ग में जल जमाव के लिए 24 घंटे लगातार बिजली पंप से पानी की निकासी की जाए ताकि अगले 24 घंटे में आवागमन चालू हो सके। जल जमाव वाले क्षेत्रों में जहां पानी की निकासी एवं जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है, उन स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा एंटी लार्वा का छिड़काव के लिए अति शीघ्र सफाई कर्मियों के माध्यम से कराए जाने के लिए ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान सहायक विकास अधिकारी पंचायत अरविंद सिंह, बच्चा सिंह, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं पंचायत सचिव कामिनी सिंह, प्रतीक शरण श्रीवास्तव, गोविंद कुमार, मनीष त्रिपाठी एवं ODF दस्ता के टीम लीडर चंद्रशेखर एवं सफाई के कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, एंटी लार्वा कहाँ छिड़कोगे? अभी एंटी लार्वा भिजवा रहे हैं, ये करने का नाली में और इस पानी में जहाँ भी रुका पानी है, ये सब में डाल देना है तो पानी रुका हुआ है ना। मच्छर अंदर इधर कॉलोनी में भी चल पड़वा देंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? मारता है ना, जैसा कि शहर से जो सटे हुए जो गांव हैं हमारे ग्रामीण एरिया खोराबार के कुछ ग्राम पंचायतें, जैसे बड़गो और आपका सेमरा मानिकपुर है, भरवलिया है, इन सभी ग्राम पंचायतों में और मझरिया बिस्टौल है, इन सभी ग्राम पंचायतों में चूँकि बंधा है, बंधे के बाद जल जमाव हो गया है, उसके आसपास का जो ग्रामीण इलाका है एवं शहरी इलाका भी है उसमें बारिश के पानी से जल जमाव हो गया, बंधे की वजह से पानी इस पार से उस पार जाने में प्रॉब्लम होती है, तो उसे दूर करने के लिए, उसी के लिए निरीक्षण करने के लिए हम लोग गए थे। अभी हमारे 26 पंप जो हैं वो चल रहे हैं उस सड़क पे। इसके अलावा हम लोगों ने राजस्व विभाग की मदद से 4 जगह पे रोड को भी कटवाया है ताकि पानी का बहाव एक तरफ से दूसरी जगह हो सके, तो लगातार पानी निकल रहा है। प्लस पिछले 4-5 दिन से आप जैसा देखेंगे मौसम भी हमारे साथ है, अनुकूल है, तो पानी लगातार निकल रहा है। अगले 2-3 दिन में हमें लगता है पानी की जो भी जल भराव की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। साथ ही हमने ऐसे सभी एरिया में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया है और एंटी लार्वा का छिड़काव लगातार करवा रहे हैं ताकि मच्छर जनित जो रोग या रोगाणु या विषाणु की संभावना से जो बीमारी होने की जो संभावना होती है वो ना हो।